A very good morning. So we are starting with a new chapter that is External Commercial Borrowing, ECB. लिखा ना आपने? External Commercial Borrowing. External Commercial Borrowing. सबसे पहले आपके दिमाग में आता रहेगा ECB होता क्या है? देखो, अगर हम आउटसाइड इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लेकर आते हैं या फंडिंग लेकर आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, फाइनेंस लेकर आते हैं, या तो वो पैसा इक्विटी में आएगा या तो वो पैसा डेट के फॉर्म में आएगा। अगर वो पैसा इक्विटी के फॉर्म में आ रहा है, इक्विटी के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगर वो पैसा लोन फॉर्म में आ रहा है, डेट के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो हमारा जो फोकस है, ये ECB जो है, इट इज अबाउट डेट फाइनेंस विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। एंड इफ इट इज इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी में पैसा आ रहा है, तो दैट इज बेसिकली बेटा इट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो FDI ओनरशिप या FDI इक्विटी से डील करता है, और अगर मैं बोल रहा हूँ ECB डेट फाइनेंस से डील कर रहा है, और वो भी फ्रॉम विद इन इंडिया या फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और यही अगर इंडिया पैसा बाहर लगाता है, दैट इज ODI, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ODI, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हेन मनी इज कमिंग इन, इट इज FDI और ECB। व्हेन मनी इज गोइंग आउट, दैट इज बेसिकली OD, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कमिंग इन इज FDI, इक्विटी फॉर्म, एंड लोन फॉर्म, दैट इज बेसिकली ECB। ये लिखने का मैं मौका दूंगा। अब ये ECB आया क्यों था? 2014 के आसपास, 13 14 के आसपास ECB का क्यों? अभी तो और ECB बढ़ते जा रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बढ़ते जा रहा है। सी व्हाट हैपेंड, हमें इंडिया में एग्जांपल है, हमें इंडिया के पब्लिक सेक्टर्स को सेल करना है, उसको हमें बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट करना है, हमें उसको सेल आउट करना है। जैसे अगर BSNL एग्जांपल लिया मैंने, नॉट एग्जैक्टली IRCTC, तो नाउ द गवर्नमेंट वांटेड टू सेल, द गवर्नमेंट वांटेड टू सेल ऑल द यू नो एंटिटीज टू द प्राइवेट पीपल, कि तुम चलाओ, तुम इन्वेस्टमेंट्स करो। एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल है, कल उठकर रिलायंस इंडस्ट्री SBI से लोन लेकर BSL में पैसा लगाता है, तो इंडिया का पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे, नया पैसा तो आया नहीं, नया कैपिटल तो नहीं आया। तो इसीलिए अगर रिलायंस यही अगर फॉरेन मार्केट से पैसा लाता है और BSL में पैसा लगाता है, तो फ्रेश कैपिटल आया, फ्रेश कैपिटल आया। तो इसलिए ECB प्रमोट किया गया, इसलिए ECB प्रमोट किया गया इन 2013 एंड 14, बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बोरोइंग लोन और टेकिंग लोन और बोरो मनी इज ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। समझे मेरी बात? तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, अगर आप बोलेंगे सर बाहर से पैसा क्यों लाना है, मैं आपको बताया, अगर बाहर से पैसा लाया तो नया कैपिटल हुआ, नया कैपिटल है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंडिया से ही पैसा लिया और इंडिया में ही लगाया, ठीक है ना? तो कोई वही बात हो गई, वी आर विद इन द सेम बाउंड्रीज, वी आर विद इन द सेम बाउंड्रीज। समझे मेरी बात? तो व्हाट इज माय पॉइंट, कि बाहर से नया कैपिटल आएगा तो काफी ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ेंगे, फ्रेश कैपिटल आएगा तो नई मशीनरी आएगी, नए लोग एम्प्लॉय होंगे, करेक्ट है बात? तो बेसिकली ये पूरा सेटअप देखो, इंडिया की एंटिटी है, दैट इज एलिजिबल बोरोवर, इंडिया के मैप के अंदर एक एंटिटी है, वो एलिजिबल बोरोवर है, और इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? एलिजिबल लेंडर, लेंडर, लेंडर। जैसे मैंने एग्जांपल डाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया की कंपनी ने लोन लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया की कंपनी ने लोन लिया, दैट इज ECB, और अब वो लोन का पैसा इन्वेस्ट किया, BSNL खरीदा, IRCTC के शेयर खरीदे, LIC के शेयर खरीदे, एग्जाम्पल। तो ये हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनी बोरोइंग फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज बेसिकली बोरो, एंड देन दैट मनी इज इन्वेस्टेड इन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ये पूरा कंसेप्ट है ECB का। तो यहाँ पे दो चीज आई है, एक है एलिजिबल बोरो, कौन कौन बोरो कर सकता है, हु इज एलिजिबल, एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, हम देखते हैं ना क्राइटेरिया रहता है, तो कौन कौन बोरो कर सकता है और कौन कौन लेंडर बन सकता है, किससे पैसा ले सकते हैं, थोड़ा तो रेगुलेशन आएगा ना, RBI का थोड़ा तो आएगा।
तो अब यहाँ पे देखना कि एलिजिबल बोरोवर कौन है और लेंडर कौन है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल डाल दिया, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एलिजिबल लेंडर है, करेक्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इन्वेस्ट। अब इसके भी दो रूट है बेटा, ईसीबी लाने के दो रूट है, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक कोई परमिशन की जरूरत नहीं, यहां तक आप बिंदास पैसा बाहर से ला सकते हो, और इससे ज्यादा लाना है या कुछ सेक्टर है तो उनको आरबीआई से पूछना पड़ेगा, अप्रूवल रूट। पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट, पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट, पूछना पड़ेगा, अप्रूवल रूट। यू नीड टू टेक परमिशन, अप्रूवल रूट। यू नीड नॉट आस्क, यू आर अलाउड अप टू वन लिमिट, अप्रूव, ऑटोमेटिक रूट, करेक्ट है बात। तो ये देखना, इंडिया के बाहर से पैसा आया, इंडिया में एंटिटीज में इन्वेस्ट हुआ, दैट इज ईसीबी। पैसा आया किस फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में, या पैसा आया बेसिकली लोन के फॉर्म में, दैट इज लोन फॉर्म, डेट फॉर्म। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है ईसीबी का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से लिखो टॉपिक को, बहुत बढ़िया करो ये चीज को, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ ईसीबी। हमने देखा कि ईसीबी का मतलब क्या है। अब ईसीबी है ना दो टाइप के, फॉरेन डिनोमिनेटेड करेंसी ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। देखो आप, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब आप डॉलर्स में लोन ले रहे हो या आप रुपीज में लोन ले रहे हो चलेगा, ईसीबी। इंडिया के बाहर से ले रहे हो, फॉरेन एंटिटी से ले रहे हो, फॉरेन बैंक से ले रहे हो, जो भी है वो हम देखेंगे किससे। तो बट आप लेते समय रुपीज में ले रहे हो या आप लेते समय डॉलर्स में ले रहे हो, तो ये हो गया बेटा। अगर डॉलर्स में ले रहे हो या अदर करेंसी में ले रहे हो, इंडियन रुपी INR के अलावा ले रहे हो। देखो लगभग पूरे वर्ल्ड में आई बिलीव 189-190 करेंसीज है, 189 सब 190 पकड़ लेते हो, उसमें से एक INR है। INR छोड़ते हुए बाकी सब क्या बेटा, फॉरेन करेंसी है, 189 फॉरेन करेंसीज है। अब 189 करेंसी में लोन ले रहे हो तो वो हो गया बेटा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। और अगर आप वो वन करेंसी दैट इज INR इंडियन रुपीज में ले रहे हो, दैट इज इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। तो ऐसे दो टाइप की ईसीबी है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। सर आप फॉरेन करेंसी में क्यों लोगे? अरे हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री सपोज इंडिया में है और रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोलियम बिजनेस में है, रिलायंस का पेट्रोलियम का काम सपोज यूके में भी होता है या US में भी होता है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी उधर है या उनका उधर ब्रांच है, और वो ब्रांच चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो रुपीज लेके क्या फायदा। इमेजिन रिलायंस इंडस्ट्री RIL लिमिटेड या RNRL, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, ये इंडिया में, इनके एक ब्रांच यूके में है या US में है। अब वो ब्रांच में 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। अब रुपीज में लोन लेंगे, फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर देंगे, अननेसेसरी कॉस्टिंग करोगा, रुपीज आएगा फिर कन्वर्ट होगा डॉलर, ये सर डॉलर में लो और वहीं के वहीं यूज कर लो। तो जब इंडियन एंटिटी का एक कोई ब्रांच बाहर है या सब्सिडरी बाहर है और वहां पे पैसा चाहिए, तो इंडियन रुपी INR में लो मत, डॉलर्स में कमाएंगे और डॉलर में ही रिपे कर देंगे, लोन डॉलर में आएगा, डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में रिपे करेंगे, क्योंकि वो वहां पर डॉलर में ही डील कर रहे हैं। तो हम कौन सा ईसीबी लेंगे बेटा? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। ये बहुत डिटेलिंग है, ये बच्चे जो ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं ये चैप्टर, मैंने देखा है। और या तो पढ़ाते समय बहुत सारे लोग क्या करते, ऊपर ऊपर जय माता दी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री को इंडिया में लोन चाहिए तो भाई इंडियन रुपीज में ले लेंगे, रिपे रुपीज में करेंगे, दैट इज इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। तो यहाँ देखो, करेंसी ऑफ बोरोइंग इज फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, फ्रीली इजीली वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी, वाइडली एक्सेप्टेड, यूरो पाउंड डॉलर्स ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ये करेंसीज बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ कंट्री करेंसी बहुत नॉमिनल डिनोमिनेशन, वो नहीं जल्दी एक्सेप्ट होता है। वर्ल्ड वाइड कुछ 4-5-10 करेंसीज है जो फ्रीली कन्वर्टेबल है, इजीली कन्वर्टेबल है, करेक्ट है बात। और अगर इंडियन रुपी में आप ले रहे हो तो दैट इज INR, दैट इज INR। अब फॉरेन करेंसी के टाइप्स है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी के टाइप्स है, वो लिखने से पहले आप ये आराम से, ये टॉपिक बहुत आराम से चलेगा, आपको ये पहले लिख लेना है।
ठीक है, तो आपने लिखा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। अब फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी के अलग अलग टाइप के ईसीबी है, पर अलग टाइप के लोन्स है। या तो आपने प्रॉपर बैंक से लोन लिया है, जब लेते हो फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट कि भाई मैं तुम्हें 10% दूंगा, कहानी खत्म। ठीक है, अब अभी अब ये स्टार्ट करने से पहले एक और एक सवाल जो मुझे क्लिक हो रहा है, जो आपने पूछना चाहिए, ऑब्वियसली आप वर्चुअल में तो नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप पूछे सर हम बाहर से लोन क्यों ले, बाहर से लोन क्यों ले। अरे पहली बात, बाहर के लोन्स बहुत चीपर पड़ते हैं। जैसे इंडिया में बैंक लोन अगर 10-11-12% है, हाउसिंग लोन 8-9% है, तो बाहर के लोन्स हो सकता है कुछ कंट्रीज में 3-4-5% भी मिल रहे हैं। ठीक है ना बात। और दूसरा है कि फंड इंडिया में हम इतना रेज नहीं कर पा रहे, तो इंडिया के बाहर से रेज कर लिया, मोर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। ओके, और थर्ड रीजन है कि हमारी कोई ब्रांच बाहर है, तो वहीं के वहीं पैसा चाहिए, वहीं के बैंक से अरेंज करके पैसा दिला दिया। हमारा कोई ऑफिस उधर है, वहां के वही फंडिंग चाहिए, हमने वहीं के वहीं अरेंज करके दे दिया। मैं दो तीन रीजन बता रहा हूँ। पहला चीपर, वेरी चीपर। इंडिया इफ चार्जिंग, इंडियन बैंक्स आर चार्जिंग 8-9-10%, तो आउटसाइडर में चार्ज 5-6% मे बी। कुछ कंट्रीज में चीपर होता है, करेक्ट। जैसे टैक्स रेट हर कंट्री का अलग है, इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, कुछ कंट्री में टैक्स रेट कम है, किस कंट्री में इंडिया से ज्यादा टैक्स है, कहाँ पर फ्री नो टैक्स, ऐसी भी कंट्रीज है। आप मानोगे हम बोले मजाक कर रहे सर, अरे वहां पे पॉपुलेशन ही कम है, वो टैक्स नहीं चाहिए भाई, तुम ले लो टैक्स, तुम इंसेंटिव ले लो, समझो। तो मैं ये बोलूंगा कि वहां की कंट्री से लोन हमें सस्ता मिल रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है इंडियन कैपिटल मार्केट बहुत पैसा वैसे, नो डाउट अबाउट इट, और कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो इंडिया डेवलप होगा। और तीसरा रीजन है कि हमारा शायद ब्रांच ऑफिस हेड ऑफ बाहर है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ब्रांच या कुछ उधर ऑफिस बाहर है, वहीं के वही फाइनेंस चाहिए, वहीं के वही फंड चाहिए, तो बाहर की बार ले लिया, तो वो रीजन है। अब यहां देखो, वी कैन टेक ईसीबी फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, एंड द बैंक में चार्ज फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इज अ डेट, ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, करेक्ट है बात। तो डिबेंचर विच इज नॉट कन्वर्टेबल, अगर वो कन्वर्टेबल है कि डिबेंचर दिया, डिबेंचर डिबेंचर, और 10 साल बाद हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो फिर वो ईसीबी नहीं है। इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे बेटा, एफडीआई। देखो रिलायंस इंडस्ट्री ने 1,000 करोड़ के डिबेंचर यूएस में बेचे और बोला कि ये 1,000 करोड़ के डिबेंचर 10 साल बाद हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे बताओ इनडायरेक्टली डिबेंचर तो दिया बट अल्टीमेटली वो इक्विटी बन जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली तुमने क्या किया, एफडीआई। क्या किया, एफडीआई। तो एफडीआई पॉलिसी देखना है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली। तो इसीलिए डिबेंचर अलाउड है बट इट शुड नॉट बी कन्वर्टेबल, नॉट कन्वर्टेबल, नॉट कन्वर्टेबल इनटू व्हाट, इक्विटी। नॉट कन्वर्टेबल है तो वो क्या माना जाएगा, ईसीबी, ईसीबी। सेम वे एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सारे वर्ड्स कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड है इन विच डिनोमिनेशन, फॉरेन करेंसी बॉन्ड बेचा हमने इन विच डिनोमिनेशन, फॉरेन करेंसी, करेक्ट है बात। और यहां पर एफसीसीबी का एक पूरा रेगुलेशन अलग है सेबी में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एफसीसीबी एफसीईबी दोनों में फर्क है, सिक्योरिटी मार्केट कैपिटल मार्केट में आएगा, बट थोड़ा ब्रीफ बता सकता हूँ, एफसीसीबी एंड एफसीईबी, करेक्ट है। एक्सचेंज क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है, अभी मैं एक्चुअली ये बहुत डिटेलिंग वाला है, ये ईबीसीएल में नहीं आता ये, पर ठीक है, आई ट्राई माय लेवल कि भाई ये आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये अलग टॉपिक ही है जो कैपिटल मार्केट में जाता है, बट स्टिल होल्ड करो, टेक्निकल इश्यू है पेन का, देखते हैं। इंडिया, इंडिया की कंपनी है, ओके, इंडिया की कंपनी है, और अब यहाँ पर इनको एक ब्रांच या इनको एक सब्सिडरी कंपनी यूएसए में खुलना है, यूएसए में खोलना है, तो ये गए मार्केट में, इन्होंने बॉन्ड बेचा लोगों को, एफ सी ई बी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एफ सी ई बी, लोगों ने इनको पैसा दिया 100 1,000 करोड़ रुपीस, और बोला ये जो है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड जिसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के लिए 1,000 करोड़ चाहिए, और लोगों को बोला, होल्ड करो बेटा, पेशेंस चाहिए इसमें,
ये इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए ए लिमिटेड को दिए, क्योंकि ए लिमिटेड की अपनी एक गुडविल है, अपना एक रेपुटेशन है। ए लिमिटेड ने क्या किया, ये 1,000 करोड़ रुपए यहाँ लगा दिए और प्लस अपने जेब से 1,000 करोड़ लगा दिए, ओके, इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड में। अब 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स, वी विल गिव यू शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ बॉन्ड, FCEB, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ये स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, पेशेंस से सुनना। यूएसए, बहुत पेशेंस से सीखना है लाइफ में, ऐसे ही सीए सीएस नहीं बनते भाई, या सीएमए नहीं बनता है, प्रोफेशनल डिग्री है भाई इसके लिए, नहीं तो लोग ग्रेजुएशन करके ही करेंगे ना, थोड़ा एफर्ट लगेगा, ठीक है, सब कोई शॉर्टकट नहीं चलता है इंडिया, ओके, इंडिया थोड़ा सा पेन से एडजस्ट। ए लिमिटेड ये इन्वेस्टर्स है, इन्होंने पैसे दिए 1,000 करोड़, और इन्होंने बॉन्ड दिए FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, 1,000 करोड़ डॉलर्स में है, मतलब फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं। अब जब 10 साल बाद ये इन्वेस्टर को ए लिमिटेड के ही शेयर मिलेंगे, ए लिमिटेड के ही शेयर मिलेंगे, दैट इज FCCB, जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रहा है उसी के शेयर मिलेंगे FCCB, जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रहा है उसके नहीं, किसी और कंपनी के शेयर मिलेंगे FCEB। रिपीट कर रहा हूं, ए लिमिटेड इज इशूइंग बॉन्ड एंड ऑन रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड वापस लेते वक्त वी विल इशू ए लिमिटेड शेयर्स FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ए लिमिटेड इज इशूइंग बॉन्ड एंड ऑन आफ्टर 10 इयर्स ऑन रिडम्पशन वी विल गिव यू बी लिमिटेड शेयर्स, वी विल नॉट गिव यू ए लिमिटेड शेयर्स, वी विल गिव यू बी लिमिटेड शेयर्स, दैट इज FCEB, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। करेक्ट है बात, लास्ट रिपीट, ए लिमिटेड इज इशूइंग बॉन्ड एंड ऑन रीपेमेंट वी विल गिव यू ए लिमिटेड शेयर्स FCCB, ए लिमिटेड इज इशूइंग बॉन्ड एंड वी विल गिव यू ऑन रीपेमेंट बी लिमिटेड शेयर्स, अनदर कंपनी शेयर्स, दैट इज FCEB। तो एक तरीके से बॉन्ड जो है वो लोन माना गया बेटा, बॉन्ड जो है वो क्या माना गया, लोन ही माना गया। अब वो FCCB के फॉर्म में हो या FCEB के फॉर्म में हो, अल्टीमेटली समझना मेरी बात, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड हो या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो, बॉन्ड मीन्स डेट, मतलब इट इज, और हमने फॉरेन करेंसी बाहर के नॉन रेसिडेंट को हमने बॉन्ड्स बेचे, रेसिडेंट को नहीं, नॉन रेसिडेंट को बॉन्ड बेचे और डॉलर लेकर आए, तो ये माना जाएगा बेटा ईसीबी, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। फिर ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड रॉ मटेरियल है, 3 साल से ज्यादा की उधारी है, ट्रेड क्रेडिट रॉ मटेरियल खरीदा, वो लोग हमें 3 इयर्स से ज्यादा टाइम दे रहे, 5 साल के बाद पैसा दो, 6 साल के बाद पैसा दो, करेक्ट है। तो ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स इज ऑल्सो ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ट्रेड क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेटर्स, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, एक्सीडिंग 3 इयर्स इज ऑल्सो ईसीबी, एंड फाइनेंशियल लीज। देखो एग्जाम्पल है, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने बाहर मशीनरी खरीदी और उनको पेमेंट किया, या मैंने मशीन बेचने वाले से ही मशीन ली और उसको बोला मैं तुझे इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा। एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड इंडिया में, मैको लिमिटेड इंडिया में, मैको लिमिटेड हैज टेकन लोन फ्रॉम SBI बैंक, कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, गिवन द मनी टू US मशीन बेस्ड कंपनी, परचेज मशीन, एंड नाउ ए लिमिटेड इज पेइंग इंस्टॉलमेंट टू SBI। तो ये तो ईसीबी में नहीं आएगा, इंडिया के इंडिया में, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम SBI बैंक, मैको लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड द मशीन कंपनी टू गिव हिम ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तुम मशीन दे दो हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। करोड़ों की मशीन है भाई, आज पैसा कहाँ से आएगा, 1,000 करोड़ की मशीन है, 1,000 करोड़ की मशीन है, हम बैंक से लोन करेंगे, तो तुम एक काम करो ना, तुम मशीन पे भी कमाओ बेचने पे, और हमें हमसे इंटरेस्ट भी कमाओ, जो मशीन बेचने वाला है वो मशीन बेच के तो कमाएगा प्लस इंटरेस्ट भी कमाएगा, उसके पास पैसा बहुत है,
तो मशीन बेचने वाले ने मशीन तो बेचा, मतलब दे दिया, और हम उसको इंस्टॉलमेंट दे रहे, फाइनेंशियल लीज, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल लीज। ये भी एक तरीके इनडायरेक्ट लोन ही हुआ बेटा, दैट इज ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, लोन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर विच इज नॉट कन्वर्टेबल, FCCB, FCEB, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स, एंड फाइनेंशियल लीज। लिखो ये चीज। करे बेटा जी, तू सबको रिस्क तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा, देखो कैसे 2000 ओके, तो रिपीट करो फिर से, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। फॉरेन करेंसी वर्ड आना चाहिए, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, लोन फ्रॉम बैंक्स विद अ फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट। सेकंड इज डिबेंचर विच इज नॉट कन्वर्टेबल, FCCB, FCEB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। मैंने बॉन्ड बेचा और मेरी ही कंपनी के शेयर मिलेंगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। मैंने बॉन्ड बेचा और दूसरे कंपनी के शेयर मिलेंगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स, बेसिकली 3 साल से ज्यादा कोई उधारी देता है कि अगर दे रहा है तो भाई वो ईसीबी है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा फाइनेंशियल लीज, जो मशीनरी वगैरह हम लीज रेंट पे लेते हैं, इतना रेंट देते हैं कि हम उसको इंस्टॉलमेंट ही दे रहे हैं, हम वो लोन की तरह ही है, तो दैट इज फाइनेंशियल लीज। टेक्निकली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लोन, बट दैट इज नॉट अ टॉपिक हियर, वो आपको अलग सब्जेक्ट में है, बट अभी फिलहाल आपको ये समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया फॉरेन करेंसी। वैसे ही इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ऑलमोस्ट सेम है। इंडियन करेंसी, आप बाहर के बैंक से इंडियन रुपीज में लोन ले रहे हो, फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट, ईसीबी हो गया। आप बाहर, यू नो, मतलब बेसिकली व्हाट यू आर सेलिंग, बॉन्ड्स, वैनिला बॉन्ड बोलते हैं, वैनिला बॉन्ड या मसाला बॉन्ड बोलते हैं। इंडियन रुपीज में जब बॉन्ड बेचते हैं ना तो मसाला बॉन्ड बोलते हैं। और
दूसरे करेंसी में बेचते हैं तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसा मसाला बॉन्ड, मसाला इज अ इंडियन वर्ड, करेक्ट है बात। तो व्हेन यू आर सेलिंग बॉन्ड्स टू आउटसाइड इंडिया पीपल नॉन रेसिडेंट विच इज इन रुपीज, मसाला बॉन्ड, व्हेन यू आर सेलिंग बॉन्ड्स टू आउटसाइड इंडिया पीपल नॉन रेसिडेंट विच इज इन INR, मसाला बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड डिबेंचर्स प्रेफरेंस विच इज नॉट कन्वर्टेबल, ट्रेड क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिला है रुपीज में, मिला है क्रेडिट, मशीनरी वगैरह रॉ मटेरियल खरीदा होगा रुपीज में, आपको पेमेंट करना है जिसको 3 साल से ज्यादा है, वो ECB है। प्लेन वैनिला बॉन्ड, देखो अच्छे से मैंने लिख दिया, अलग से लिख दिया, बॉन्ड वहां पे भी लिखा है, यहाँ भी लिख दिया, प्लेन वैनिला बॉन्ड एंड फाइनेंशियल लीज, फॉरेन करेंसी बॉन्ड ही नहीं आएगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी वर्ड ही उसमें, तो वहां आ गया। तो ये स्लाइड और ये स्लाइड में सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा, पुरानी स्लाइड में FCCB FCB है क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में, और इसीलिए वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB है, बट यहाँ पर ये इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB है, इसलिए FCCB और FCEB हटकर क्या आ गया बेटा, प्लेन वैनिला बॉन्ड, प्लेन वैनिला बॉन्ड विच इज इन इंडियन रुपीज। सब प्लेन वैनिला सिंपल बॉन्ड है, पैसा दो, फिक्स इंटरेस्ट लो, खत्म करो, कोई नखरे नहीं, रिडम्पशन ये वो कॉल पुट कुछ नहीं, बॉन्ड का पैसा आया है, बॉन्ड के पैसे पे रेगुलर इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा, इंडियन रुपीज में लो पैसा है, इंडियन रुपीज में ब्याज मिलेगा, खत्म, जब टेन्योर खत्म होगा पैसा रिटर्न होगा। प्लेन वैनिला, प्लेन आइसक्रीम जैसे वैनिला आइसक्रीम होती है, वेरी प्लेन, विच इज एडजस्टेबल विद एवरीवन, बाकी में तड़का ये नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बाकी बॉन्ड्स में क्या होता है, फीचर्स बढ़ जाते हैं कि भाई तुम्हें जल्दी रिडम्पशन करना है तो कर सकते हो, तुम्हें रिडम्पशन करना है तो ये होगा वो होगा कन्वर्ट होगा, कुछ नहीं। तो प्लेन वैनिला बॉन्ड विच इज इन इंडियन रुपी एंड फाइनेंशियल लीज, तो आप लिखोगे ये बेटा। ओके, तो अब ये देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एलिजिबल बोरोवर कौन बोरो कर सकता है? आरबीआई ने, देखो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आरबीआई के रेगुलेशंस सब बताते हैं ये सब। आरबीआई ने बनाया कि कौन ईसीबी लेगा, कितना लेगा, कितने टाइम के लिए लेगा, क्या रेट पे लेगा, किससे ईसीबी ले सकते हैं, ये सब किसने बोला है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज अल्टीमेटली फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो आरबीआई बताएगा, दैट इज वेरी क्लियर। तो सबसे पहले रूल्स और रेगुलेशन, आरबीआई जो बनाता है वो रेगुलेशन से और गवर्नमेंट जो बनाता है वो रूल्स है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो आरबीआई रूल्स बोलेंगे, आरबीआई रेगुलेशन बोलेंगे, आरबीआई रेगुलेशन, ईसीबी रेगुलेशन, करेक्ट है। तो जब कोई एंटिटी या गवर्नमेंट की कोई संस्था कुछ रूल्स बनाते हैं उसको रेगुलेशन बोलते हैं, और जब गवर्नमेंट कुछ बनाता है जैसे कंपनी रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये गवर्नमेंट का पार्ट है तो वो रूल्स बनाते हैं। अगर यू नो आईसीएस है या आईसीआई कुछ बनाता है वो रेगुलेशन हो गया, या आरबीआई कुछ बना रेगुलेशन हो गया, सेबी रेगुलेशंस हो गया बेटा, करेक्ट है बात। जब भी गवर्नमेंट एंटिटीज कुछ बना रही है दैट इज रेगुलेशन, गवर्नमेंट खुद बना रहा है दैट इज रूल्स। तो ये सब कहाँ लिखा है कि भाई कौन ले सकता है लोन, कहाँ लिखा बेटा? रेगुलेशंस, करेक्ट है। अब हु इज द एलिजिबल बोरोवर, हु इज अलाउड टू टेक लोन? बेसिकली ऑल दोज हु इज अलाउड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में पैसा आ सकता है तो लोन में आ सकता है, जो जो जगह पर एफडीआई अलाउड है वहां वहां ईसीबी अलाउड है। जहां जहां एफडीआई के दरवाजे खुले लाइक ई कॉमर्स, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो वहां वहां ईसीबी अलाउड है। जिस जिस एंटिटीज में एफडीआई है वो सब ईसीबी के फॉर्म में लोन रेस कर सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT मुंबई, पोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पेमेंट्स फॉरन, उनके पेमेंट्स आते हैं, शिपिंग चार्जेस आते हैं, पोर्ट चार्जेस आते हैं, करेक्ट है बात। तो पोर्ट जनरली हैव टू कीप अ गुड अमाउंट ऑफ फॉरन करेंसी, पोर्ट डेवलप करना है हमें। तो पोर्ट ट्रस्ट जितने भी है, जैसे मैंने एक पॉपुलर इमेज डाल दिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये जो है ये मुंबई में है। पोर्ट मीन्स अ बिग, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पोर्ट पे, इनका वेबसाइट है jnport.gov.in। बहुत बड़े होते बड़ा, एक सेकंड मैं आपको अच्छे इमेजेस दिखा दो। बड़े बड़े कंटेनर्स मराठी में चालू हो गए, देखते हैं। अब ये कोरोना का इफेक्ट है, बड़ा है। रैमसमवेयर हिट्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑपरेशंस इन मुंबई, वायरस है जो उनके वेबसाइट ऑपरेशंस को रोक दिया है। कैन यू सी द शिफ्ट? कैन यू इमेजिन अ पोर्ट साइज? आज समझो पोर्ट पूरा एरिया,
विकिपीडिया में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दैट इज एब्रीविएशन GNPT, ऑल्सो नोन एज नवा शिवा, इज अ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, लोकेटेड इन ईस्ट मुंबई एंड मुंबई। इसलिए मुंबई इतना रनिंग, इतना बिजनेस है मुंबई में, क्योंकि सारे शिप्स वहाँ पे आते हैं ऑब्वियसली। तो इट्स कॉमन नेम डिराइव फ्रॉम द नेम नवा एंड शिवा विलेजेस दैट आर सिचुएटेड। दिस पोर्ट हिस्टोरिकल एस्टैब्लिश इन 1989, ठीक है। इट इज 28th रैंक पर है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको जो समझे। फैसिलिटी टेरिफ, ठीक है, इसमें बाकी पूरी थोड़ा सीक्रेटिव रखा है इन्होंने आई गेस, जो भी होगा। एनुअल कंटेनर्स 5.05 मिलियन कंटेनर्स की कैपेसिटी है, बाप रे। नई मुंबई, अरेबियन सी पर लोकेटेड है, ठीक है, वाया थाने क्रीक। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पोर्ट में तो ऑब्वियसली पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। आज पोर्ट पे बहुत सारा फॉरेन करेंसी लगता है, पोर्ट भी काफी चीज है। तो आपको ये समझना है कि आज पोर्ट ट्रस्ट को अगर ईसीबी लेना है, पोर्ट ट्रस्ट को ईसीबी लेना है, वो ले सकते हैं। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो आपके लिए स्पेशल एक्ट है। SEZ एक्ट आपने पढ़ा है, एरिया डिक्लेयर्ड डेलिनेटेड और डिक्लेयर्ड एज SEZ बाय द गवर्नमेंट, और वहां पे जो भी कंपनी जाएगी उनको टैक्स एग्जम्पशंस मिलेंगे। पुणे में हिंजेवाड़ी है, बैंगलोर में यू नो वाइट सिटी, फेदर सिटी, उसका नाम है ऐसा। तो SEZ वहां पर सारे लोग एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स बैठे हैं, उनको ईसीबी चाहिए तो हम उनको देंगे। सिडबी, दैट इज सिडबी, एक खुद का वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ सिडबी का, ठीक है, होल्ड करो। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो फाइनेंसिंग करते हैं जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इन्वॉल्व है। एग्जिम बैंक भी है, होल्ड करो। सिड भी, ओके, गांधी जी का फोटो लगा इन्होंने। एग्जिम बैंक, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। अरे ये तो RBI के अंडर ही है ना सब गवर्निंग। भारतीय निर्यात आयात बैंक, निर्यात आयात, आयात इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट, तो आयात निर्यात बैंक, ये सबको अगर चाहिए तो दे आर एलिजिबल बोरोवर्स। कौन कौन बोरो कर सकता है, फॉरेन करेंसी में कौन कौन बोरो कर सकता है। दोज आर अलाउड फॉर FDI, दे कैन टेक ECB। देख, सेकंड पोर्ट ट्रस्ट अलाउड है, इसके अलावा यूनिट्स इन SEZ, SEZ में जो लोकेटेड है वो लोग ले सकते हैं। सिड भी ले सकता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद में एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये फॉरेन करेंसी में ले सकता है। इंडियन करेंसी में कौन ले सकता है, जब ये लोग फॉरेन करेंसी में ले सकता है तो ये तो इंडियन करेंसी में तो ले ही सकते हैं, प्लस और लोग इंडियन करेंसी में ले सकते हैं, प्लस और लोग इंडियन करेंसी में ले सकते हैं। तो ये तो आएंगे 100% आएंगे, ठीक है। लिखो ये पहले, फॉरेन करेंसी में कौन कौन ले,
फॉरेन करेंसी में कौन कौन ले सकता है बेटा? दोज आर अलाउड फॉर FDI, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट्स जहां पर अलाउड है बाहर से, तो वो लोग लोन फॉर्म भी ले सकते हैं। तो पोर्ट ट्रस्ट, देन मैंने आपको बताया यूनिट्स इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये अलग एक्ट है आपको। उसके बाद सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एंड एक्सिम, ये तो ये लोग तो इंडियन करेंसी में, अरे इंडियन करेंसी में ले रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इंडियन करेंसी में और लोग ले सकते हैं, तो ये तो है इंडियन करेंसी में, ये तो लेंगे। देखो ऑल एलिजिबल एंटिटीज हु आर रिसीविंग FDI फॉर पोर्ट ट्रस्ट यूनिट्स इन SEZ सिडबी एक्सिम प्लस रजिस्टर्ड एंटिटीज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज फॉलोइंग रजिस्टर्ड NGO, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोग इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ECB ले सकते हैं। इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ECB कौन कौन ले सकता है? पहला, दोज हु आर अलाउड टू रिसीव FDI, देन पोर्ट ट्रस्ट, SEZ, सिडबी, एक्सिम बैंक, ये तो आ गया, ये तो एज इट इज है। प्लस प्लस रजिस्टर्ड एंटिटीज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज लाइक रजिस्टर्ड NGOs, रजिस्टर्ड NGO कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग भी ले सकते हैं। इंडियन रुपी में थोड़े लोग ज्यादा है, फॉरेन करेंसी में गिने ये 5 लोग थे, तो ये 5 लोग तो इंडियन रुपी में ले सकते हैं प्लस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखो ये चीज, ओके तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। थोड़ा सा ECB हमने आज स्टार्ट किया है। सबसे पहले ECB मतलब क्या, जब भी फंडिंग बाहर से अगर इक्विटी के फॉर्म में आता है FDI, और जब भी फंडिंग बाहर से लोन फॉर्म में आता है दैट इज ECB। जब भी इंडिया से फंड इन्वेस्टमेंट्स बाहर जाते हैं या इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ODI, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कंसेप्ट आया क्यों था? अभी तो गवर्नमेंट ने इसको और स्कोप बढ़ा दिया, सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइज के लिए नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए अलाउ किया। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ कि जब हुआ क्या था, वी वॉन्टेड टू डिस इन्वेस्टमेंट, हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचना चाह रहे थे, बट इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, उतना ही कैपिटल रहेगा, वी शुड इंक्रीज मोर कैपिटल। तो इंडियन एंटिटीज, एलिजिबल एंटिटीज वर अलाउड टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इन्वेस्ट इन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस। वो रीजन है ये RBI ने टारगेट लेकर 40,000 करोड़ रुपीज रेज करने की कोशिश की थी थ्रू ECB, ठीक है ना बात? तो वो रीजन से था। तो जो भी इंडिया में बोरो कर रहा है, जिसको अलाउड है, एलिजिबल बोरो, और जिससे बोरो कर सकते हैं एलिजिबल लेंडर, उसके दो रूट्स है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट, जहां पर आपको पूछना पड़ेगा फिर RBI की परमिशन के बाद ही अलाउड है, दैट इज व्हाट अप्रूवल रूट। उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ ECB, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB इज बेसिकली रेजिंग लोन इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB इज बोरोइंग मनी इन INR, इन
INR. उसके बाद देर आर वेरियस फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB लोन फ्रॉम बैंक विद अ फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल FCCB FCEB ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स एंड फाइनेंशियल लीज. इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB है लोन फ्रॉम बैंक विद अ फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट देन डिबेंचर्स डिपॉजिट बॉन्ड्स इन विच इज नॉट कन्वर्टेबल देन प्लेन वेनिला बॉन्ड इन इंडियन रुपी ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स एंड फाइनेंशियल लीज. उसके बाद एलिजिबल बोरोवर कौन है, दोज आर अलाउड फॉर FDI देन पोर्ट ट्रस्ट देन सिमिलर SEZ SIDBI एक्सिम बैंक फॉरन करेंसी में. इंडियन में तो ये सब है प्लस रजिस्टर्ड एंटिटीज बेसिकली इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी और बेसिकली रजिस्टर्ड वॉट एवर NGOs आर और रजिस्टर्ड NGO कंपनी दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन इंडियन रूपी. तो विल स्टॉप, ये अच्छे से रिवाइज करो, नेक्स्ट सेशन में आपको कनेक्टेड. ये टॉपिक्स जो है ना ये जनरली लोग सिर्फ रीड आउट करके खत्म करते हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है. तो विल स्टॉप फॉर द डे, आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.